भाजयुमो जिला अध्यक्ष सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विद्युत निगम के एसी के मुंह पर कालिख पोतने का मामला। विगत 27 जुलाई को बिजली विभाग धौलपुर के अधीक्षण अभियंता के चेहरे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कालिख पोतने के मामले में भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया और पूर्व उपाध्यक्ष जयवीर पोसवाल के खिलाफ कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा विद्युत निगम के एसी बीएस गुप्ता की ओर से दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि इन भाजपा नेताओं ने सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में बिजली कटौती की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एसी बीएस गुप्ता के चेहरे पर काला रंग लगाने की कोशिश की थी। घटना को लेकर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में शुक्रवार देर शाम को विद्युत निगम धौलपुर के एसी भगवान सहाय गुप्ता पुत्र घनश्याम दास गुप्ता निवासी जयपुर हाल निवास धौलपुर ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि 27 जुलाई को दिन में करीब 3 बजे क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे थे। सभी भाजपा के कार्यकर्ता सांसद एवं जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बिजली की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वार्ता के लिए उन्हें और बिजली निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया। सांसद एवं जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में वार्ता शुरू हो गई। इसी दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया ने अभद्रता, धक्का मुक्की और हमला करते हुए मेरे मुंह पर स्याही लगा दी, जिसका सहयोग जयवीर पोसवाल और कमल पहाड़िया एवं अन्य लोगों ने किया। अधीक्षण अभियंता गुप्ता ने रिपोर्ट में बताया कि घटना के दौरान एक्सएन रूप सिंह, एएन प्रवेंद्र सिंह, एआरओ गणेशा सहित निगम के अन्य कर्मचारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने बीच बचाव कर मुझे अलग किया और आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।